श्री शिवाय नमस्तुभ्यम, हर हर महादेव। 31 अगस्त 2024 दिन शनिवार का है और भाद्रपद कृष्ण त्रयोदशी की विशेष तिथि है और प्रदोष भी है। ऐसे में गुरुजी पंडित प्रदीप मिश्रा जी के बताए उपाय, जो कि आप शनि प्रदोष के दिन करके अधिक से अधिक लाभ प्राप्त कर सकते हैं, उन्हीं उपायों की जानकारी हम आपको इस वीडियो के माध्यम से दे रहे हैं। इस वीडियो में हम आपको सभी उपाय वीडियो के माध्यम से करके भी बताएंगे, ताकि देख कर समझने में आपको आसानी हो। इस वीडियो में आप शनि प्रदोष का मनोकामना पूर्ति उपाय, शनि प्रदोष का व्यापार वृद्धि उपाय, शनि प्रदोष का धन प्राप्ति उपाय, शनि प्रदोष का कर्ज मुक्ति उपाय की जानकारी प्राप्त करने वाले हैं। वीडियो बहुत उपयोगी है, इसलिए अंत तक अवश्य देखें, ताकि कोई भी उपयोगी जानकारी आपसे ना छूटे। बढ़ते हैं पहले विशेष उपाय की ओर। गुरुजी पंडित प्रदीप मिश्रा जी ने अपने पिछले वर्षों की शिव महापुराण कथा में बताया है, अगर आप लिंग पुराण पढ़ेंगे या फिर शिव अंक पढ़ेंगे तो उसमें आपको वर्णन मिलेगा कि शनि दोष, मंगल दोष, केतु दोष, राहु दोष, बृहस्पति दोष, पितृ दोष, काल सर्प दोष, सभी प्रकार के जितने भी दोष हैं उनको अगर आप एक सरल और आसान उपाय कर देते हैं तो उनसे आपको मुक्ति मिल जाती है। उपाय काफ़ी सरल और आसान है। आपको पीपल के वृक्ष से जो बूंद टपकती है उस बूंद को प्राप्त कर लेना है। अब आप रात्रि के समय पीपल के वृक्ष के नीचे एक कटोरी रख सकते हैं, उसमें आपको सुबह तक पानी की कुछ बूंदें मिल जाएंगी। तो आपको उस बूंद को शिवलिंग पर एक विशेष स्थान पर लगा देना है। आप वीडियो के माध्यम से भी देखकर समझ सकते हैं कि पानी की उस बूंद को आपको शिवलिंग पर गुरुजी ने कहां पर लगाने को कहा है। शिवलिंग में जलाधारी से जल जहां से नीचे गिरता है उस स्थान पर आपको एक बूंद लगा देना है, जो कि पीपल के वृक्ष के पत्तों से होती हुई बूंद जमीन में गिरती है। उपाय काफ़ी कठिन है, क्योंकि इस प्रकार से पत्तों से पानी प्राप्त कर पाना पीपल के वृक्ष का सभी के लिए आसान नहीं होता है। तो आप ऐसा भी कर सकते हैं कि आप एक पात्र में पीपल के पत्ते को डाल दें, उसके बाद उसका थोड़ा सा जल प्राप्त कर लें, एक चम्मच भी जल प्राप्त करेंगे तो भी पर्याप्त है, और वह जल की बूंद आप शिवलिंग पर इस स्थान पर लगा दें जहाँ पर हमने आपको वीडियो के माध्यम से भी करके बताया है कि बिंदी कहाँ लगाना है। मंगल दोष, केतु दोष, राहु दोष, बृहस्पति दोष, काल सर्प दोष, वास्तु दोष, दुनिया के जितने भी दोष हैं उनसे आपको मुक्ति मिल जाती है। गुरुजी का बताया है विशेष उपाय आप इस शनि प्रदोष की विशेष तिथि में करके अधिक से अधिक लाभ जरूर प्राप्त कीजिएगा। बढ़ते हैं दूसरे विशेष उपाय की ओर, जिसे आप 31 अगस्त शनि प्रदोष की विशेष तिथि में कर सकते हैं। गुरुजी ने कहा है, कितना ही दुख जीवन में चल रहा हो, विपदा कष्ट सम्मुख आके खड़ा हो गया हो, जीवन में धन की कमी है, पैसा आ ही नहीं रहा है, पूंजी की कमी है, आपको लग रहा है कि मेरे पास कुछ भी नहीं है और आपको तुरंत पैसों की ज़रूरत है, तो आप यह सरल और आसान उपाय कर सकते हैं। आपको शिव और नारायण का स्मरण करते हुए यह उपाय करना है। आपको एक पुष्प लेना है, एक शमी पत्र लेना है, एक लाल पुष्प लेना है और एक बेल पत्र लेना है। फिर से सुन लीजिए, आपको कौन कौन सी चार चीज़ों की आवश्यकता है। एक सफ़ेद पुष्प, एक शमी पत्र, एक लाल पुष्प और एक बेलपत्र। भगवान शंकर और भगवान हरि का स्मरण करते हुए सभी चीज़ों को आपको शिवलिंग में जो माता अशोक सुंदरी का स्थान होता है वहाँ पे अर्पित कर देना है। मात्र इतना कर देने से धन संपदा की कमी नहीं होती है। आपको प्रयास भी करना है, कर्म में पीछे नहीं हटना है, मतलब आप अपने कर्म करते रहें, साथ ही यह उपाय करेंगे तो आपको उसमें सफलता देखने को मिलेगी और आपके घर से आर्थिक तंगी दूर होगी और घर में धन संपदा देखने को मिलेगी। बढ़ते हैं तीसरे विशेष उपाय की ओर। गुरुजी ने अभी हाल ही में कुछ महीनों की पहले की शिव महापुराण कथा में एक विशेष उपाय की जानकारी दी थी। गुरुजी ने कहा था, माताजी के जगदम्बा भवानी के पास में जो चक्र है उसका नाम है मृत्यु मंजरी। नारी को जो रजस्वला धर्म में समस्याएँ आती हैं, रजोधर्म में जो परेशानियाँ आती हैं, जिस समय वह कार्य नहीं करती हैं, गर्भस्थ में गांठ है, रजोधर्म आने में देरी होना या फिर ना आना या फिर बार बार आ जाना या फिर निरंतर आते रहना, तो गुरुजी ने उस समय एक विशेष उपाय सभी नारियों से करने को कहा है। एक गूलर का फूल आता है जिसे हम जासून का फूल भी कहते हैं। इस उपाय के अंतर्गत आपको एक जासून का फूल को लेना है, जो आपकी स्क्रीन में भी दिख रहा है किस प्रकार से दिखता है, और माता भवानी का स्मरण करते हुए शिवलिंग में जो स्थान शिवलिंग का कटी भाग कहलाता है, माता पार्वती का हस्तकमल कहलाता है,
वहां पर आपको अर्पित करना है, विशेष तरीके से अर्पित करना है। शिवलिंग का जो कटे भाग होता है माता पार्वती के हस्तकमल होते हैं। आप वीडियो के माध्यम से देखकर समझ सकते हैं कि आपको कहां पर अर्पित करना है। गुरु जी ने कहा आप कहीं पर भी बैठकर अर्पित करें, बस अर्पित करते समय आपको माता के पास जो चक्र है मतलब मृत्यु मंजरी, इस चक्र का स्मरण करते हुए आपको अर्पित करना है और उस पुष्प को आपको प्राप्त कर लेना है। और उस पुष्प को आपको मंदिर के द्वार के बाहर निकलकर कहीं पर अपने घर ले जाकर बैठकर खा लेना है। गुरुजी ने कहा सभी प्रकार की समस्याओं से आपको मुक्ति मिल जाती है। नारियों को स्त्रियों को सुख और आनंद की प्राप्ति होती है। आप यह उपाय करते समय अपने विवेक का उपयोग अवश्य कीजिएगा। बढ़ते हैं चौथे और अंतिम विशेष उपाय की ओर। गुरुजी ने कहा है कि अगर आप प्रदोष का व्रत नहीं रख सकते हैं, कोई पूजन नहीं कर सकते हैं, तो प्रदोष के दिन आप एक सरल और आसान उपाय कर सकते हैं जिसमें आपको प्रदोष के पूजन का भी फल प्राप्त हो जाता है। वो इस उपाय के अंतर्गत आपको कुछ करने की आवश्यकता नहीं है। यह उपाय आप अपने घर से ही कर सकते हैं। आपको बस शाम के समय मतलब प्रदोष काल में, अब प्रदोष काल क्या होता है जिन्हें नहीं पता उन्हें बता दें, सूर्य अस्त के 45 मिनट पहले से लेकर 45 मिनट बाद तक का समय प्रदोष काल कहलाता है। या फिर शाम का वह समय जब आपको सूरज दिखाई ना दे और आपको रोशनी दिखाई दे, वह भी प्रदोष काल कहलाता है। तो आप उस समय अपने घर के मुख्य द्वार में कोने में एक घी का दीपक प्रज्वलित कर देना है। इसमें आपको लंबी बाती का उपयोग करना है। मात्र इतना कर देने से आप अपने घर में महादेव को आमंत्रण दे रहे हैं कि हे महादेव, आपके लिए मेरे घर के द्वार खुले हैं, आप मेरे घर में प्रवेश करके मेरे और मेरे परिवार के लोगों का कल्याण कीजिए। इसलिए हम यह दीपक प्रदोष काल में लगाते हैं, क्योंकि सभी को पता है कि महादेव नंदी पर बैठकर माता पार्वती के साथ प्रदोष के दिन प्रदोष काल में भ्रमण के लिए निकलते हैं और अपने भक्तों का उद्धार करते हैं। अब बढ़ते हैं आखिरी बोनस उपाय की ओर। अगर घर में पैसों की तंगी है, कर्जा बढ़ रहा है, जीवन में पैसा आ ही नहीं रहा है, तो आपको कर्म तो करना ही है, पर शनिवार के दिन आपको एक नियम बना लेना है। आपको शनिवार के दिन पीपल के वृक्ष के नीचे घी या सरसों के तेल का, जो भी आपको ठीक लगे, उसका एक दीपक प्रदोष काल के समय प्रज्वलित करना है। इस दीपक में आपको गोल बाती का उपयोग करना है। यह उपाय करने से, यह दीपक प्रज्वलित करने से प्रत्येक शनिवार को करना है। आपको बस नियम बना लेना है कि प्रत्येक शनिवार को प्रदोष काल में मैं यह दीपक पीपल के वृक्ष के नीचे प्रज्वलित करूँगा या करूँगी। गुरुजी ने कहा इस प्रकार से नियम बना लेने से, दीपक प्रज्वलित करने से आपके घर में लक्ष्मी के साथ साथ नारायण भी प्रवेश कर जाते हैं और आपके घर को धन्य धान्य से परिपूर्ण कर देते हैं। यह काफ़ी विशेष उपाय है जिसे आप हर शनिवार को कर सकते हैं और इस शनि प्रदोष के दिन करके अधिक से अधिक लाभ प्राप्त कर सकते हैं। इस वीडियो में बताए गए उपायों से संबंधित अगर अभी भी आपके मन में कोई प्रश्न है तो वे प्रश्न आप कमेंट बॉक्स के लिए पूछ सकते हैं। हमें व्हाट्सएप में फॉलो करना चाहते हैं तो उसकी लिंक भी मैंने कमेंट बॉक्स में मेंशन कर दी है, जिसमें टच करके आप हमें व्हाट्सएप पर फॉलो कर सकते हैं, जो कि बिल्कुल फ्री है। वीडियो उपयोगी लगा हो तो लाइक करके कमेंट बॉक्स में हर हर महादेव अवश्य टाइप कीजिएगा। श्री शिवाय नमस्तुभ्यम, हर हर महादेव।